Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to study subject English, lesson 15, The Miser. बच्चों ये बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक रिच मैन की और रिच मैन जो बहुत कंजूस था और वॉचमैन की स्टोरी है. क्या आप सुनना पसंद करोगे? लेट्स स्टार्ट अवर लेसन. Once there was a rich man. He was a miser. He ate very cheap food and spent very little money. He lent money to small shopkeepers at a high interest. बहुत पहले एक गांव में बहुत अमीर आदमी रहता था. वह कंजूस था. वह बहुत सस्ता भोजन करता था और कम से कम पैसे खर्च करता था. वह छोटे दुकानदारों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज पर रुपए उधार देता था. इन दिस वे ही अर्न्ड अ लॉट ऑफ मनी. एवरी मॉर्निंग ही वेंट आउट टू सी द शॉपकीपर्स एंड केम होम एट मिडडे. इस तरह वह बहुत रुपए कमाता था. हर सुबह वह दुकानदारों को देखने निकलता और दोपहर को घर वापस आ जाता. द माइजर हैड अ वॉचमैन टू लुक आफ्टर हिज हाउस. द वॉचमैन लिव्ड इन अ हट नियर द गेट. ही लाइक्ड फिश एंड हिज वाइफ कुक्ड इट फॉर हिम एवरी डे. उस कंजूस ने अपने घर की देखरेख के लिए एक चौकीदार को रखा था. वह चौकीदार घर के दरवाजे के पास रहता था. उसे मछली बहुत पसंद थी, इसलिए उसकी पत्नी हर दिन उसके लिए मछली पकाती थी. द वॉचमैन टोल्ड हिज वाइफ कुक द फिश बिफोर मिड डे. आवर मास्टर विल बी आउट देन. ही डजंट eat meat or fish and he will not like the smell of fish. चौकीदार ने अपनी पत्नी को बोला कि मछली दोपहर के पहले बनाना, तब तक हमारे मालिक घर के बाहर होंगे. वह मछली नहीं खाते, इसलिए वे मछली की महक पसंद नहीं करेंगे. One day the master came home early. He walked past the watchman's hut and caught the smell of fish. It was a nice smell and he liked it very much. एक दिन मालिक जल्दी घर वापस आ गए. वह चौकीदार के घर से गुजर रहे थे, तभी उसे मछली की महक आई. उसने कहा, यह बहुत अच्छी महक है, मुझे यह पसंद है. That afternoon he called the watchman and asked him, what were you cooking today? The watchman said quickly, I won't do it again, sir, please excuse me. उसी दोपहर उसने चौकीदार को बुलाया और पूछा, आज तुम क्या बना रहे थे? चौकीदार ने तुरंत उत्तर दिया, मैं फिर से ये गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो. द माइजर सेड, डोंट बी अफ्रेड, आई एम नॉट एंग्री. वॉट वॉज योर वाइफ कुकिंग, प्लीज टेल मी. द वॉचमैन सेड, वी वर कुकिंग फिश. द माइजर सेड, प्लीज कुक इट एवरी डे, आई लाइक द स्मेल वेरी मच. उसी दोपहर कंजूस आदमी बोला, घबराओ मत, मैं गुस्सा नहीं हूँ. आज तुम्हारी पत्नी क्या बना रही थी, मुझे बताओ. चौकीदार बोला, हम मछली बना रहे थे. वह कंजूस आदमी बोला, मुझे इसकी महक बहुत अच्छी लगती है, तुम रोज इसे बनाना. द वॉचमैन एंड हिज वाइफ थॉट अवर मास्टर इज मैड, बट दे कुक्ड फिश एवरी डे. After a month, one evening, the watchman and his wife
came to see their master. चौकीदार और उसकी पत्नी ने सोचा, हमारा मालिक पागल हो गया है, पर वे रोज मछली बनाने लगे। एक महीने बाद एक शाम चौकीदार और उसकी पत्नी दोनों अपने मालिक को देखने गए। सर, यू लाइक द स्मेल ऑफ फिश, द वॉचमैन सेड टू हिज मास्टर, सो वी कुक इट एवरी डे, बट फिश इज नॉट चीप, इट इज वेरी कॉस्टली, इट कॉस्ट अस अ लॉट ऑफ मनी, आई अर्न ओनली 30 rupees अ मंथ, सो प्लीज गिव अस मनी फॉर द फिश। चौकीदार ने अपने मालिक से कहा, आपको मछली की महक अच्छी लगती है ना, इसलिए हम रोज मछली पकाते हैं, पर मछली बहुत महंगी है, इसमें हमारे बहुत से पैसे खर्च होते हैं, मैं तो बस महीने के 30 rupees कमाता हूँ, इसलिए कृपया कर हमें मछली के लिए रुपये दीजिए। द माइजर थॉट फॉर अ वाइल, देन ही सेड, ओ ऑल राइट, वेट हियर, ही वेंट इन टू हिज रूम एंड शट द डोर बिहाइंड हिम, ही टुक आउट सम सिल्वर कॉइन्स फ्रॉम अ बैग। उस कंजूस आदमी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अच्छा ठीक है, रुको। वह कमरे में गया और देखने लगा। उसने अपने बैग बस्ते से कुछ चांदी के सिक्के निकाले। He dropped them one by one on the floor. The watchman and his wife heard the tinkle of the coins and were very happy. They said, "He is going to give us all that money." उसने एक के बाद एक सिक्के जमीन पर गिराए। चौकीदार और उसकी पत्नी ने सिक्कों की खनखनाहट की आवाज़ें सुनी और वे दोनों बहुत खुश हुए। वे बोले, मालिक अपने सारे रुपए हमें दे देंगे। आफ्टर सम टाइम देयर मास्टर केम आउट एंड सैट डाउन ऑन अ चेयर। ही देन आस्क्ड द वॉचमैन एंड हिज वाइफ, डिड यू हियर द टिंकल ऑफ द कॉइंस? यस सर, वी डिड, सेड द वॉचमैन। डिड यू एंजॉय इट? आस्क्ड द माइजर। यस सर, सेड द वॉचमैन एंड हिज वाइफ। कुछ देर बाद उनके मालिक बाहर आए और कुर्सी पर बैठ गए और फिर उसने चौकीदार और उसकी पत्नी से पूछा, क्या तुमने सिक्कों की खनखनाहट की आवाज़ें सुनी? हाँ मालिक, हमने सुनी, चौकीदार ने कहा। क्या तुम्हें इससे अच्छा लगा? उस कंजूस आदमी ने पूछा। जी मालिक, चौकीदार और उसकी पत्नी ने कहा। द माइजर देन सेड, ऑल राइट, आई एंजॉयड द स्मेल ऑफ योर फिश एंड यू एंजॉयड द साउंड ऑफ माई कॉइन्स, आई डोंट आस्क फॉर योर फिश, सो यू डोंट आस्क मी फॉर मनी, नाउ गो अवे। कंजूस आदमी ने कहा, हाँ मुझे तुम्हारी मछली की महक बहुत पसंद आई और मैंने सिर्फ मछली की सुगंध ली और तुमने भी मेरे सिक्कों की आवाज़ों का लुत्फ़ उठाया, मैंने तुमसे मछली नहीं मांगी, तो इस वजह से तुम मुझसे पैसे मत मांगो, इसलिए अब यहाँ से जाओ। बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? एक कंजूस और चौकीदार की थी ना, बहुत ही मज़ेदार। चलिए अब इस लेसन में आए कुछ न्यू वर्ड्स की मीनिंग हम जानते हैं। कॉइन्स, कॉइन्स मीन्स सिक्के, कॉइन्स मीन्स सिक्के। मीट, मीट मीन्स मांस। मिड डे, मिड डे मीन्स दोपहर का समय। टिंकल, टिंकल मीन्स खनखनाहट, जो पैसे झनकार। आपने देखा ना, वह बच्चों आपने सुना कैसे, किस तरह उस कंजूस ने वॉचमैन को और उसकी वाइफ को पैसों की खनखनाहट की आवाज़ सुनाई थी। वाइल, वाइल मीन्स जब। लेंड, उधार देना। एक्सक्यूज मीन्स बहाना। वन बाय वन मीन्स एक के बाद एक। चलिए बच्चों,
इस लेसन में आए कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. आंसर दीज क्वेश्चंस. वन, हाउ वाज द रिच मैन. रिच मैन अमीर आदमी कैसा था, क्या होगा इसका आंसर. द रिच मैन वाज माइजर. गुड. सेकेंड, हु डिड ही लेंड मनी टू. वह माइजर जो है वह किसे पैसे उधार देता था, आंसर क्या होगा इसका. हाँ, ही लेंड मनी टू स्मॉल शॉपकीपर्स एट अ हाई इंटरेस्ट. वह छोटे दुकानदारों को कम ज़्यादा इंटरेस्ट में पैसे उधार देता था. थर्ड, व्हाट डिड द वॉचमैन्स वाइफ कुक एवरीडे. वॉचमैन की पत्नी हर दिन क्या बनाती थी, इसका आंसर है द वॉचमैन्स वाइफ कुक्ड फिश एवरीडे. क्वेश्चन फोर, डिड द माइजर लाइक द स्मेल ऑफ द फिश. आंसर यस, द माइजर लाइक्ड द स्मेल ऑफ द फिश. क्वेश्चन फिफ्थ, द माइजर एंजॉयड द स्मेल ऑफ द वॉचमैन्स फिश. डिड द वॉचमैन एंड हिज वाइफ एंजॉय, क्या होगा इसका आंसर बच्चों. हाँ, द वॉचमैन एंड हिज वाइफ एंजॉयड द टिंकल ऑफ द कॉइन्स. नेक्स्ट है, हु सेड एंड टू हुम, किसने किससे कहा. वन, कुक द फिश बिफोर मिड डे. यह किसने कहा, दोपहर से पहले मछली पका लो. हाँ, द वॉचमैन सेड टू हिज वाइफ, चौकीदार ने अपनी पत्नी से कहा. सेकेंड, प्लीज कुक इट एवरी डे, आई लाइक द स्मेल वेरी मच. यह किसने कहा, द माइजर सेड टू द वॉचमैन, कंजूस ने वॉचमैन मीन्स चौकीदार से कहा. थर्ड, ही इज गोइंग टू गिव अस ऑल दैट मनी. लगता है वह पूरे पैसे हमें दे देगा. यह किसने कहा, द वॉचमैन एंड हिज वाइफ सेड टू ईच अदर, चौकीदार और उसकी पत्नी ने आपस में कहा. फोर्थ, डिड यू हियर द टिंकल ऑफ द कॉइन्स, क्या तुमने पैसों की खनखनाहट की आवाज सुनी. यह किसने कहा, द माइजर सेड टू द वॉचमैन एंड हिज वाइफ, कंजूस ने चौकीदार और उसकी पत्नी से कहा. सो चिल्ड्रन, सम होमवर्क फॉर यू. मैच विद द करेक्ट एंटोनिम्स मीन्स ऑपोजिट्स विद ए एंड बी. कुछ वर्ड्स दिए हैं ए और बी कॉलम में, उसे आप मैच कीजिए. माइजर, चीप, क्विकली, शर्ट, हैप्पी, मास्टर, स्ट्रॉन्ग. बी कॉलम में दिए हुए हैं सैड, स्लोली, स्पेंडथ्रिफ्ट, कॉस्टली, सर्वेंट, वीक, ओपन. सो चिल्ड्रन, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी. आज की क्लास में यहीं समाप्त करती हूँ. अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी. तब तक गुड बाय. थैंक यू.